नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर बीजेपी नेता को लेकर आई है। अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुरुवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी है। वारदात शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके सदर बाजार के रेमंड शोरूम के अंदर हुई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस की टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सोहना मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे सुखबीर उर्फ सुक्की गुरुवार की दोपहर बाद करीब 3:30 बजे गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित गुरुद्वारा रोड पर रेमंड के शोरूम में कपड़े खरीदने पहुंचे थे। तभी हथियारों से लैस 4-5 बदमाश शोरूम में घुस गए। बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बदमाशों ने 10 से ज्यादा राउंड फायर किए, जिसमें सुखबीर उर्फ सुक्की को कई गोलियां लग गई थी। खून से लथपथ सुखबीर को तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बदमाश सुखबीर का पीछा करते हुए शोरूम के भीतर घुसे थे। फायरिंग के वक्त शोरूम के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से छुपकर अपनी जान बचाई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां दोस्तों भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। शोरूम के कर्मचारियों ने बताया कि सुखबीर ने कुछ दिन पहले अपने कुर्ते पजामे सिलवाए थे, जिन्हें वह लेने के लिए आए थे। सुखबीर गुरुग्राम के रिठोज के रहने वाले हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच की टीमें पूरे मामले की दोस्तों जांच कर रही हैं। दरअसल गुरुग्राम के जिस सदर बाजार में ये वारदात हुई है, वह शहर का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है। दिन दहाड़े गोलियों की बौछार के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गुरुग्राम से।